देश में 31.5 लाख के पार हुए कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में 60,975 नए के सामने आए। रिकवरी रेट 75.92% पहुंचा। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 74.90% पर है। यूपी में 1,92,000 के पार कोरोना के आंकड़े पहुंच चुके हैं। यूपी में कोरोना के 4,677 नए केस सामने आए हैं। साथ ही यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 72.82% पर हो चुका है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना के 412 नए मरीज सामने आए हैं। तो वहीं साथ ही एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है। देवभूमि में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,529 हो गई है। WHO की अपील, कोरोना वैक्सीन बनाने की योजना में दुनिया के देश साथ आए। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन, आज रिया से हो सकती है पूछताछ। तो सिद्धार्थ पिठानी से कल 11 घंटे तक पूछताछ की गई। तो सीबीआई की सीएफएसएल लैब करेगी एक्टर की साइकोलॉजिकल ऑप्टेसी। सुशांत सिंह राजपूत का केस को लेकर बीते 2 महीने से चर्चा शुरू है। इस बीच केस सीबीआई के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है। सुशांत को लेकर हर तरफ से सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। बल्लेबाज सुरेश रैना ने सुशांत की तस्वीर पोस्ट करते हुए अपनी दोस्ती को याद किया। रैना ने आईपीएल 2020 के बीच सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इस भावुक वीडियो को शेयर किया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वकीलों की हड़ताल, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है वकील। हाईकोर्ट के सामने वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट में फिजिकल बहस केस फाइलिंग की मांग की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिवक्ता असंतुष्ट हैं। वकीलों का कहना है कि वीसी के जरिए नहीं हो पाती है सुनवाई, लगातार लगाई जा रही है तारीख पर तारीख। मंत्री चेतन चौहान के निधन पर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपा है। पत्नी ने कहा, मौत पर न हो सियासत। आज से लखनऊ सहित 5 नए शहरों के लिए सीधी फ्लाइट, पटना, इंदौर, रायपुर, भोपाल के लिए भी लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2016 के प्रारंभिक परीक्षा अब 13 सितंबर के बजाय 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ये जानकारी आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से दी गई है। से 5 सितंबर के लिए खुला वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण, योजना है रोजाना 2,000 भक्त कर सकेंगे दर्शन। अयोध्या में निर्माणाधीन श्रीराम द्वार पर जेसीबी चली, बारिश की वजह से दीवार गिरने की आशंका पर हुई कार्रवाई। एसपी सरकार में 2 करोड़ की लागत से बनने वाला था द्वार, घटिया निर्माण के कारण लगाई गई थी रोक। प्रशांत भूषण का माफी मांगने से इनकार, आज कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान कर सकती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में नीलम और झीलम नदियों के ऊपर से चीन की मदद से विशाल बांध बनाए जाने का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। देर रात को बड़ी संख्या में लोगों ने मुजफ्फराबाद शहर के अंदर जोरदार मशाल जुलूस और विरोध मार्च निकाला। मशाल जुलूस और विरोध में शामिल लोग नारे लगा रहे थे कि वो नीलम झीलम पर बांध न बनाओ और हमें जिंदा रहने दो। प्रियंका गांधी ने बढ़ते अपराध को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं, अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। बलिया में पत्रकार की हत्या और यूपी की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सवाल उठाए हैं। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यूपी में गुंडाराज पूरी तरह से हावी है।
पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार की तरह ही बीजेपी सरकार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब सूबे में 75 जिलों में कोई बड़ी या छोटी आपराधिक वारदात न घटित होती हो। उन्होंने कहा कि बसपा उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए पार्टी के हर जाति के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 28 अपर न्यायाधीश जल्द बनेंगे स्थायी न्यायमूर्ति। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की संस्तुति। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बड़ा हादसा हुआ है। रायगढ़ जिले में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में 50 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। दिल्ली वालों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दिल्ली में अनलॉक 4 में मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है। जल्द ही एमएचए गाइडलाइन जारी कर सकता है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब स्मार्ट कार्ड खरीदना होगा। स्मार्ट कार्ड की पहल से यात्रियों को न ही संक्रमण की चिंता सताएगी और न ही टोकन खरीदने में वक्त लगेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए गूगल प्ले स्टोर के जरिए ऐप को डाउनलोड करने की सुविधा भी दी गई है। बलिया में पत्रकार की हत्या मामले में हिरासत में लिए गए 3 लोग पिपना थाना के इंस्पेक्टर को हाजिर किया गया है। कल घर लौटते वक्त गोली मारकर हत्या की गई। बलिया में पत्रकार की हत्या का मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वाराणसी में डोम राजा जगदीश चौधरी का 55 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि राजा जगदीश चौधरी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। डोम राजा 2019 चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावक थे। गाजियाबाद डीएम ऑफिस के बाहर महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। महिला को कविनगर थाने लेकर पहुंची पुलिस। रामपुर के अजीमनगर इलाके में बस का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। गड्ढे में जाकर बस पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 की मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कानपुर पुलिस लाइन में बैरक की छत गिरी। मलबे में दबने से 1 पुलिस वाले की मौत, 3 घायल। जर्जर हालत में था बैरक। कानपुर के गोविंदनगर थाना इलाके में लेबर कॉलोनी में 2 युवकों ने फाइनेंस कंपनी के मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाकर्मी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो मौके का फायदा उठाकर दोनों युवक फरार हो गए। वहीं घायल को हैलट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बागपत के किरठल में 1 युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस की माने तो घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के नीम गांव इलाके में लड़की का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लड़की की रेप के बाद गला रेतकर हत्या की गई। गाजियाबाद में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़े युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ताबड़तोड़ हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी में अवैध संबंध के चलते 2 सगे भाइयों ने अपने बड़े भाई को चाकू से गला रेतकर मौत घाट उतार दिया। दोनों हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है।
दिल्ली पुलिस ने बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा है। सरकारी योजनाओं के नाम पर कर रहे थे बेरोजगारों से ठगी, 9 युवतियों सहित 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। कौशाम्बी के मंझनपुर रजिस्ट्री दफ्तर के बाहर पैतृक संपत्ति बेचने गए ससुर की बहू और बेटों ने पिटाई कर दी। इसके साथ ही लोगों ने जमीन खरीदने गए खरीदार की भी पिटाई की। बताया जा रहा है कि ससुर संपत्ति से हिस्सा नहीं देना चाह रहा था, बहू और बेटों ने बिना बताए जमीन का बैनामा करने आया था। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना इलाके में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र कुमार यादव की हत्या। जिला पंचायत सदस्य की हत्या से गांव वालों में आक्रोश। जालौर में पुलिस पर महिला के साथ शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित ने मामले में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के सामने न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल एक लॉ की छात्रा ने एक सिपाही पर घर में घुसकर मारपीट और रेप का आरोप लगाया है। कानपुर के बाबूपुरवा कोतवाली में तैनात सिपाही का पब्लिक के बीच अभद्रता की। इसके साथ ही शराब के नशे में सिपाही ने रौब दिखाते हुए गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश अशोक यादव घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाश अशोक यादव सन्नी सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य है। अशोक यादव लंका थाने के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। अशोक यादव 24 से ज्यादा आपराधिक मामले जो है उसके ऊपर दर्ज है। बदायूं के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत जो वर्कशॉप स्थापित है वो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का सबसे बड़ा वर्कशॉप है, जहां सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर रिपेयर किए जाते हैं। जिले के साथ साथ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अन्य 19 जिलों से भी आते हैं। ये वर्कशॉप इन 19 जिलों को ऑन डिमांड रिपेयर ट्रांसफार्मर सप्लाई भी देता है। कानपुर देहात के NH2 हाईवे के रनिया इलाके में चलती कार में आग लग गई और कार आग का गोला बन गई। कार में आग लगने के बाद किसी तरह कार सवार ने अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली में कृष्णा गेस्ट हाउस में अज्ञात कारणों से गेस्ट हाउस में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपयों का नुकसान जो है वो हुआ है। मुरादाबाद में बहने वाली रामगंगा में उफान के चलते गांवों और खेतों से बाहर निकलकर नैनीताल हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया है। रामगंगा के किनारे बसे गांवों और बस्तियों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पानी का बहाव तेज होने के कारण हाईवे से गुजरने वाले लोगों को अब डर सताने लगा है। हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सहारनपुर के बिहट क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति ने अपने पिता के साथ इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि वह सभी को बोलता है, साहब मैं भी पढ़ना चाहता हूं, मैं भी बड़ा होकर देश व समाज की सेवा करना चाहता हूं, मैं भी और बच्चों की तरह खेलना चाहता हूं, साइकिल चलाना चाहता हूं, लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया है, मैं चल भी नहीं सकता। इसके साथ ही बच्चों ने कहा कि डॉक्टर कहते हैं कि मैं बच नहीं पाऊंगा। चमोली में देर रात हुई भारी बारिश के चलते पोखरी ब्लॉक में बादल फटने से 4 लोग मलबे की चपेट में आ गए। इस दौरान सड़क निर्माण में लगे जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई। जूनियर इंजीनियर रुद्रप्रयाग जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। मेरठ में भावनपुर क्षेत्र के केला रोड स्थित पेट्रोल पंप पर दबंगों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी नंगला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप के मालिक ने दबंगों की पर तहरीर की। हाथरस के हसायन में लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 6 अगस्त को राहुल चौधरी अपनी दुकान बंद करके लौट रहे थे, तभी मथुरापुर और भरतपुर के बीच 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कर्नल का पार्थिव शरीर शाहजहांपुर लाया गया। बिजली
का करंट लगने से गुजरात में कर्नल की मौत हो गई थी। कर्नल डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव शाहजहांपुर के रोजा के निवासी थे। कर्नल गुजरात में सुरेंद्रनगर हॉस्पिटल में तैनात थे। राजकीय सम्मान के साथ रोजा में उनका अंतिम संस्कार होगा। फतेहपुर के हसवा के जयचंदपुर गांव में अन्ना मवेशी फसल को बर्बाद कर रही हैं। सैकड़ों की संख्या में मवेशियों को ग्रामीणों ने नहर में कुदाया। बताया जा रहा है कि अन्ना मवेशी किसानों की धान की फसल बर्बाद कर रहे थे।